क्या मतलब सिक्योरिटी वेक्योरिटी, तुम लोग तो टेंशन लो ना, हल्का थॉट एक दूसरे को लुक दे लो। ओके तुम पीछे रहो, जांच ही ना दादा दादा काम करो। ओके ये रहेगा। ओके ठीक है, साइलेंस, थोड़ा और आगे आ जाओ, आधा पीस लगा आगे, ओए आधा पीस आप पीस लाओ, बराबर लगा आगे, तो चलो यार ये साइड पे छोड़ दो, रोल शॉट पे आना। एक काम करो, तू जीत करे तो आ जाना साथ साथ, वो दादी को कुछ दो तीन थप्पड़ मार के आई होगी। ओके रोल एंड एक्शन। सही बात। ओके ठीक है, एक बार चेक कर दो, कॉम्पैक्ट लगाओ, थ्री बंद करो, चल डोर बंद कर दे, थोड़ी एनर्जी रखो ना, हल्की सी, लिटिल मोर, रोल रोलिंग एंड एक्शन। यही ठीक रहेगा कि गार्ड्स इनकी प्रोटेक्शन। हाँ यही ठीक रहेगा, हमें लगता है यही सही है, हम दादी जी के साथ पूरा टाइम कर सकते हैं। सही बात। ओके आओ। अच्छा ये कनेक्शन किया उसका, दोनों का ऑन है, पीछे ले जय, थोड़ा राइट में आ जाना भाई, बस थोड़ा सा लेफ्ट, बाबा की एंट्री चला। रोल रोलिंग, तो दे
बाबा बोला था कि हाँ मैं तंत्राज बाबा अवगरनाथ अवगरनाथ था रोल। हम हैं गुरु अवगरनाथ के शिष्य तंत्र राज अवगरनाथ। बाबा जी आगे अच्छा दादी थोड़ा सा दादी क्या कर रही है आप उठी 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 दादी दादी किसी के आगे क्यों नहीं सकते सीक्वेंस चल रहा है उसमें दादी जी के पीछे काफ़ी हाँ तो ये तांत्रिक है ये माजरा क्या है मतलब जैसे कि आप एपिसोड्स में देख रहे हैं कि दादी जी के पीछे एक काला साया पड़ा हुआ है जैसे उसके पहले जो कौवे वाला था वो मेरा था कि दादी जी को डराना वराना वो ख़त्म हो गया लेकिन उसके बाद दादी जी के रूम में जो
फटी हुई साड़ी मैंने बिजली को रखने के लिए कही थी, पर वो साड़ी वो नहीं रही, वो साड़ी चेंज हो गई, उसके ऊपर खून आ गया, ऐश आ गया, तो वो मैंने नहीं किया है, मुझे भी नहीं पता कि किसने किया है। उसके बाद से कुछ दो तीन ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे दादी जी का खौफ और बढ़ गया। इनफैक्ट हम सब लोग डरे हुए कि कौन कर रहा है, काला साया के पीछे कौन है, तो हम डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं। काला जादू का कहर चल रहा है, कहा जाए काला टीका है तो काला जादू बहुत दिखाया। हाँ, बिकॉज दिस शो इज़ अबाउट अंधविश्वास एंड विश्वास, तो उसी से रिलेटेड अभी जो ट्रैक है वो चल रहा है। डॉक्टर घर पे आए थे तो दादी जी मना कर दिया कि मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे तांत्रिक चाहिए जो ये पूरा माहौल ठीक करे, काले साए को हटाए। तो उसी के लिए तांत्रिक जी अभी घर पे आए हैं, जिससे हम सब लोग डरे हुए हैं कि शिट ये क्या करने वाले हैं। बात करें अगर ये अंधविश्वास की, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगता है आज भी लोग अंधविश्वास की बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं? लाइट बंद बहुत होता है। रेडी? अंधविश्वास की अगर बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में ये जिंदा है, तो हाँ। एंड आफ्टर ऑल दिस स्टोरी इज़ अबाउट बिहार, एंड आई थिंक बिहार में ज़्यादा ये विश्वास अंधविश्वास होता है कि लड़कियों को अग्नि परीक्षा देनी होती है, ये सब कहीं कहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, मतलब अकॉर्डिंग टू फेनिल, मुझे लगता है कि ये सब कुछ होता है नहीं, इट्स अपॉन आर सेल्फ कि हम चीज़ें पॉजिटिवली ले या नेगेटिवली ले। तांत्रिक वांत्रिक पे भरोसा करना, आई डोंट बिलीव इन ऑल दोज थिंग्स। हाँ, गौरी बिलीव करती है, गौरी का कैरेक्टर ऐसा है, गौरी एक्चुअली ना समझ है, तो उसका एक ही मकसद है युग, जिद में बस मुझे युग को पाना है। उसके लिए मुझे कुछ भी हद तक, जैसे किसी बच्चे से कोई खिलौना छीन लिया गया और उसको वो खिलौना वापस चाहिए, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मतलब युग के लिए शी हैज सैक्रीफाइज सो मेनी थिंग्स। शी उसने अपने पापा, काली, दादी जी सबसे, मतलब कोई उसके साथ है ही नहीं, पर फिर भी उसको युग चाहिए, तो वो युग को पाने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। शी इज़ वेरी इम्पल्सिव, मतलब कहा जाए गौरी बहुत सारी कमाल दिखा सकती है। हाँ, गौरी हैज़ अ लॉट ऑफ शेड्स, मतलब मेरे कैरेक्टर के शेड्स कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब मुझे बहुत वेरिएशन मिलता है परफॉर्मेंस वाइज। गौरी के कैरेक्टर के लिए फेनिल को बहुत कुछ परफॉर्म करने को मिलता है, सो येस आई लाइक इट। आज बात करें गौरी की, आज गौरी बहुत ही प्रीटी लग रही है, तो ज़रा लुक के बारे में बताएं कि मेरा लुक जो है इट्स अ वन पीस विद अ फ्लेयर एज यू सॉ इन द सीन, एंड आई हैव केप्ट माई हेयर वेरी नॉर्मल, मेकअप बहुत सटल है, पर हाँ ओवरऑल ड्रेस से गेटअप और भी ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि एक प्रिंसेस जैसा ड्रेस है, तो बस यही है मेरा लुक। अब तो ऐसे प्रिंसेस जैसे ड्रेसेस ही मिलेंगे। फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैंस के लिए आई वुड जस्ट से दैट कीप वॉचिंग काला टीका, कीप लविंग अस, एंड थैंक यू।